ओ भाई ये क्या है? आई डोंट बिलीव दिस। असंभव असंभव बेचोद असंभव। अरे बाबा तो ऑरलैंडो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे हो, और नहीं भी होगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला तूने? तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम लोगों को कुछ अचानक भयानक भयंकर ट्रिक्स, कुछ ऐसे बग्स और ग्लिचेस बताने वाला है ना, जिनको देखने के बाद तुम लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। तो बस तुम लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में तुम लोग को बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना तुम लोग मुझे यही बोलने वाले हो। भैया जी आप तो। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तो तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस और डेली ट्रिक्स देखने के लिए। ओके, तो उम्मीद है कि अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तभी अपने सबसे पहले नंबर ट्रिक को करने के लिए तुम लोगों को सबसे पहले आ जाना अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में, फिर तुम लोगों को ना गन में जाना है, और गन्स में आके ना यहाँ पे तुम लोगों को जो शॉर्ट गन अपना ट्रेगोन होता है ना उसको खरीद लेना है तुम लोगों को। तुम लोगों को ध्यान से ना ट्रेगोन का ही खरीदना, दूसरा कोई शॉर्ट गन पे काम नहीं करेगा ये वाला ट्रिक। और ना जैसे ही तुम लोग ट्रेगोन खरीद लेगा उसके बाद तो तुम लोगों को पता ही है कि ट्रेगन में दो मतलब मोड्स होते हैं, एक तो शॉर्ट गन वाला है और एक लॉन्चर वाला। तुम लोगों को लॉन्चर वाले मोड पे लगा देना अपने ट्रेगन गन को, और फिर तुम लोगों को करना है कि तुम लोगों का जो फायर बटन होता है ना उस पर तुम लोग क्लिक करे रखना है, फिर तुम्हारा जो रिलोड का बटन होता है उस पर तुम लोग एक बार टैप करना है, या तुम लोग गन्स पे भी टैप कर सकते एक बार। और ना जैसे ही तुम लोग गन पे एक बार टैप करोगे तुम्हारा कैरेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ना तुम्हारा एम सामने की साइड होगा और तुम्हारा गन पूरा नीचे आ जाएगा। और ना जैसे ही ऐसा कुछ तुम्हारे साथ होता है फिर तुम लोग को अपने जॉयस्टिक बटन को ना आगे पीछे करना है, उसके बाद देख सकते हो तो तुम्हारा कैरेक्टर ना कैसे अजीब हरकतें कर रहा है। और ना ऐसे एम करके तुम लोग ना बंदे को मार भी सकते हैं, यहाँ पे गोली भी चला सकते हैं कैरेक्टर, और देखने में ना काफी ज्यादा अजीब लग रहा है ये वाला ट्रिक। और यहाँ पे ना तुम लोग कुछ ऐसे एम करके दिखा सकते हो अपने फ्रेंड को, उन्हें पगला सकते हो कि क्या ही ट्रिक है वाली और कैसे तुम लोग ये सब कर रहे हो। और ना अगर तुम लोग इस वाले ट्रिक को अपने फ्रेंड के सामने करते हो, उन्हें वाले ट्रिक दिखाते हो, तो पूरा पगला ही जाएंगे कि क्या ही ट्रिक है वाली, कैसे तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा कुछ अजीब कर रहा है। और ऐसे करके ना तुम लोग फायर भी कर सकते हो और गोली भी यहाँ से निकल सकती है, और ये वाली ट्रिक ना देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। तो भी अपने इस वाले ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो भी अपने दूसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी गाड़ी को लेना है, फिर तुम लोग इस वाली जगह पे ना आके ना इस वाले ट्रक के सामने कुछ ऐसे अपनी गाड़ी को सटा के लगा देना है, और ना जैसे तुम्हारी गाड़ी प्रॉपर लग जाए फिर तुम लोग गाड़ी से एग्जिट करना, उसके बाद देख सकते हो तुम लोग पूरा ना ट्रक के अंदर आ चुके हो। और ना जैसे तुम लोग इस वाले ट्रक के अंदर आ जाओगे यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो, बहुत सारी किल भी कर सकते हो, और लेटरली ना इस वाली जगह पे तुम लोगों को कोई नहीं देख पाएगा, और बहुत ही आराम से तुम लोग यहाँ से ना अपना रैंक पुश करके हीरो को ग्रैंड मास्टर भी कर सकते हो। और ना कभी कभार ऐसा भी होता है कि लास्ट वाला जो ना इसी वाली जगह पे बन जाता है, तो तुम लोग लैम्बोर्गिनी ला के ना यहाँ पे इस वाले ट्रक के अंदर आके बहुत ही आराम से भूया भी कर सकते हो, और बहुत सारे बंदों को यहाँ से मार भी सकते हो तुम लोग। और ना अगर मान लो कि तुम लोग अंदर हो, यहाँ पे कोई बंदा तुम लोग को देख लेता हो, तुमको गोली चलाने की मारने की कोशिश करते, तो क्या हो तुम्हें मार पाएगा? तो कोई भी बंदा अगर तुम लोग को देख लेता है तो वो बंदा तुम लोग को मार भी नहीं पाएगा, क्योंकि ट्रक के अंदर गोली जाने ही नहीं वाली है। तो ये वाले ट्रिक तुम लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, और इस वाले ट्रिक के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, और अपने तीसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को लॉबी में आ जाना है, और जैसे ही ना तुम लोग लॉबी में आ जाओगे फिर तुम लोग कैरेक्टर वाले सेक्शन में जाना है, और ना जैसे तुम लोग कैरेक्टर वाले सेक्शन में आ जाओगे फिर तुम लोग A124 जो कैरेक्टर है ना इसको ले लेना है, और ना जैसे तुम लोग इसे इक्विप करके ना मतलब गेम में तुम लोग को आना है, और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग ये वाला मोड लगा देना है, पता नहीं इसे क्या मोड बोलते पर ये तुम लोग को लगा लेना है। और ना जैसे तुम लोग ये वाला मोड लगा लोगे फिर तुम लोग गेम को स्टार्ट करना है, और जल्दी से ना तुम लोग को गेम में चले जाना है। और ना जैसे तुम्हारा गेम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा तुम लोग को मतलब थोड़ा टाइम मिलता है, तो यहाँ पे तुम लोग को फुदक उदक लेना है, फिर तुम लोग करना है कि ना तुम लोग ग्रेनेड वाला जो स्लॉट होता है ना एके वाला, तुम लोग ए वाला स्लॉट खरीद लेना है सबसे पहले तो। और ना जैसे तुम लोग अपना एके वाला स्लॉट को खरीद लेते हो फिर यहाँ पे ना तुम लोग एक ग्रेनेड मिलने वाला है, तो तुम लोग ए वाला स्लॉट खरीदना है। तो जैसे तुम लोग खरीद लोगे फिर तुम लोग ना जोन में जाकर थोड़ा सा डैमेज होना है सबसे पहले तो। और ना जैसे तुम लोग थोड़ा बहुत डैमेज हो जाओगे फिर तुम लोग करना है कि तुम लोग को सबसे पहले चले जाना है ना किसी मतलब किसी भी दीवार के पास, फिर तुम लोग जो ग्रेनेड होता है ना उसको तुम लोग को कुक करना है सबसे पहले तो। और ना जैसे तुम्हारा ग्रेनेड थोड़ी देर तक कुक हो जाएगा फिर तुम लोग ग्रेनेड को फेंकना और मर जाना है सिंपली। और जैसे तुम लोग बाउंटी बनोगे सबसे पहले तुम लोग अपने डाटा को ऑफ कर लेना है, और फिर तुम्हारा जो कैरेक्टर का एबिलिटी होना है तो अपने M124 का एबिलिटी जो होता है उस पर तुम लोग क्लिक करना है, और फिर तुम लोग देख सकते हो तुम्हारा जो ग्रेनेड वाला एम होता है ना तुम लोग को यहाँ पे भी दिखाई देने वाला है। और ये वाला ट्रिक ना देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और ऑसम लग रहा है, तुम लोग देख ही सकते हो ना पूरा मतलब भयंकर और भौकाल लग रहा है देखने में। यहाँ पे तुम लोग मरने की बात भी ना तुम्हारा ग्रेनेड वाला एम जो दिखाई दे रहा है ना वो काफी ज्यादा मतलब शॉकिंग और अमेजिंग लग रहा है। और अगर ना तुम लोग इस वाले ट्रिक को अपने फ्रेंड के सामने करते हो तो वो देख के पगला ही जाएंगे कि क्या ही ट्रिक है वाली, ऐसे कोई कैसे कर सकता है, जो कि देखने में ना काफी ज्यादा खतरनाक भी लग रहा है वाला ट्रिक। तो इस वाले ट्रिक के लिए एक कमेंट तो बनता है, तो जल्दी से कमेंट करो यार इस वीडियो पे। ओके,
तो भी अपने चौथे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए ना सबसे पहले तुम लोग को सोशल जो आइलैंड होता है ना उसमें आ जाना, और जैसे तुम लोग सोशल आइलैंड में आ जाओगे ना फिर तुम लोग ये वाले पानी जो होता है ना इसके पास आ जाना, और जैसे तुम लोग इस वाले पानी के पास आ जाओगे ना फिर सबसे पहले तुम लोग को सरबोट पे आ जाना, और जैसे ना तुम लोग सरबोट पे आ जाते हो तुम लोग किनारे पे आकर ना सरबोट पे आ जाना, और जैसे तुम लोग सरबोट पे आ जाओगे फिर तुम लोग अपने डाटा को सिंपली ऑफ कर देना है फटाक से, और जैसे तुम लोग अपने डाटा को ऑफ कर दो फिर तुम लोग यहाँ से ना आगे बढ़ना और जंप करना दो बार, और फिर तुम लोग को पानी में जाना, फिर तुम देख ही सकते हो ना तुम लोग पूरा पानी में धस चुके हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और अमेजिंग भी लग रहा है। मतलब कि इस वाली ट्रिक को अगर तुम लोग करते हो ना तो तुम्हारा जो सरबोर्ड है ना तुम्हारे सिर के ऊपर होगा, तुम लोग नीचे हो गए मतलब तुम्हारा जो मतलब आई वाला होता है ना सेक्शन जो देखने का सेक्शन होता है वो तुम्हारा नीचे आ जाएगा और तुम्हारा सरबोर्ड ऊपर चला जाएगा जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और अमेजिंग लग रहा है। और ये वाली ट्रिक ना अगर तुम लोग अपने फ्रेंड को दिखाते हो तो पूरा पगला ही जाएंगे कि क्या ही भोकाल ट्रिक है वाली, मतलब कि पूरा अमेजिंग और खतरनाक ट्रिक है वाली, और जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और अमेजिंग भी लग रहा है। और इस वाली ट्रिक को करने के बाद ना तुम बहुत ही आराम से अपने पानी के अंदर की चीजें भी देख सकते हो जो कि कुछ नहीं है पानी में। अच्छा तभी अपने पांचवें नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है, और ना जैसे ही तुम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाओगे फिर तुम लोग करना है कि यहाँ पे आने के बाद ना तुमको कोई सा भी एक स्कोप वाला गन खरीद लेना, और हाँ ध्यान से तुम लोग के पास एक ही गन होनी चाहिए, और ना जैसे तुम लोग कोई सा भी एक स्कोप वाला गन खरीद लेते हो फिर तुम लोग को जो दूसरा वाला पुतला होता ना जो कि मारने के बाद मर जाता है तो उस पर तुम लोग को आ जाना सबसे पहले, तो फिर तुम लोग इसके पास आ जाना कुछ ऐसे, और जैसे ना तुम लोग इसके पास आ जाओगे फिर तुम लोग इसको मार देना, फिर तुम लोग इसके पास जाना स्कोप ऑन करना दो तीन बार जंप करना है, और जैसे तुम लोग ना दो तीन बार जंप करोगे तुम लोग पूरा इसके ऊपर आ जाओगे, और ना जैसे तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे यहाँ पे भी आने के बाद ना तुम लोग बहुत सारे मजे कर सकते हो, अपने फ्रेंड के चुना भी सकते हो, लेकिन तुम लोग को यहाँ पे लेट जाना फिर तुम लोग कुछ ऐसे एम करना है और यहाँ पे घसक के आ जाना है, फिर तुम लोग यहाँ पे जैसे पुतला जिंदा होगा ना तुम लोग उसे पटाक पटाक पट से हेडशॉट मार सकते हो, मतलब कि जैसे जैसे वो बंदा जिंदा हो रहा है ना तो वैसे वैसे तुम लोग गोली चला के उसे बहुत ही आराम से मार सकते हो जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और अमेजिंग भी लग रहा है। और अगर तुम्हारा फ्रेंड ये वाली ट्रिक करते हुए तुम लोग को देख लेगा तो पूरा पगला ही जाएगा कि बिना मतलब कोई सपोर्ट के बंदा हवा में कैसे है, और कोई इनमें भी देखता ना तुम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में वाले ट्रिक करते हुए तो पूरा पगला ही जाने वाला, पूरा शौकी हो जाने वाला है कि क्या ही ट्रिक है वाली। तो इस वाली ट्रिक के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो कितनी बार बोलूं यार सब्सक्राइब करो। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना है, इन पांचों ट्रिक्स में से ना सबसे ज्यादा तुम लोगों को कौन सी ट्रिक पसंद है कमेंट में जरूर बताना, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो तो चलो कमेंट करके बता दो तुम लोगों को इन पांचों ट्रिक्स में से ना सबसे ज्यादा तुम लोगों को कौन सी ट्रिक पसंद आए। ओके, और हाँ अगर तुम लोग ये वाली वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो मतलब अच्छी तो लगी ही होगी तो इस वाली वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार ऐसी और अमेजिंग वीडियोस और ट्रिक्स डेली देखने के लिए। ओके तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।